पॉजिटिविज्म है क्या, अपार्ट फ्रॉम द टेक्स, अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लेनेशन. कई बार हम वी डोंट कैच द स्पिरिट ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो पॉजिटिविज्म का एक ही कॉन्सेप्ट स्पिरिट है, बाकी सब आगे एक्सप्लेनेशन हैं. पॉजिटिविज्म कर रहा हूं मैं, मतलब ये बंदा ही विल बी ट्राइंग टू डिवेल लॉज ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट विच आर टेस्टेबल विच आर एप्लीकेबल. बस अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है, अगर कोई इंटेलेक्चुअल ऐसा कर रहा है, कोई थिंकर ऐसा कर रहा है, देन वी कैन सेफली कॉल हिम अ पॉजिटिविस्ट थिंकर. मोटी सी बात समझ आ गई, राइट. अब आपका जो ये सिलेबस में दिया है पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक, तो इसमें हमें बेसिकली समझना है कि ये एंटायरली ये परस्पेक्टिव क्या है एंड हाउ इट वॉज यूज इन सोशियोलॉजी इन अ वे इनिशियली, राइट. एंड इट्स क्रिटिक, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई और क्या, मतलब वट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस परस्पेक्टिव. वॉज इट सक्सेसफुल, वॉज इट नॉट, इज इट फॉलोड नाउ, है ना. तो ये सारी बातें हमें क्रिटिक में करनी पड़ेंगी, उसको समझना पड़ेगा उसका प्रेजेंस, राइट. तो आई विल स्टार्ट विद द बेसिकली अगेन दैट मई सेम ब्रिक अप्रोच. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पॉजिटिविज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अंडरस्टैंड फिलोसॉफिकल पॉजिटिविज्म. फिलोसॉफिकल पॉजिटिविज्म, क्योंकि मतलब एक तरह से ओरिजिन हो गया, क्योंकि सोशियोलॉजी में जो पॉजिटिविज्म है ये फिलोसफी से आया. ऑलरेडी एक पॉजिटिविस्ट स्कूल एग्जिस्ट कर रहा था यूरोप में फिलोसफी में, है ना. सो वी हैव एक्चुअली बोरोड पॉजिटिविज्म फ्रॉम देयर, नेचुरली कर ही रहा होगा, तभी तो नेचुरल साइंसेज और शुरू में ये इम्पस्ट आया. एंड फ्रांस वॉज द हब ऑफ दैट, फ्रांस वॉज द हब ऑफ पॉजिटिविज्म. आप देखो ना, मतलब एक कभी जिंदगी में मौका मिले, मैं बाद में बताऊंगा, खैर अभी तो मुझे थोड़ी सी टेंडेंसी हो रही है बताने की, है ना. लेकिन जो ये पर्सपेक्टिव्स है ना, दे आर पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स आर पॉपुलर इन पर्टिकुलर कंट्रीज, और आप इस पर्सपेक्टिव का इम्प्रिंट लोगों पे देख सकते हो, उनके बातचीत में, उनकी अप्रोच में, उनके वो में. अगर फ्रांस वॉज द हॉट बेड ऑफ पॉजिटिविज्म, एक आम बंदे को पॉजिटिविज्म में क्या लेना, जो पिज्जा बना रहा है रेस्टोरेंट में, उसको तो नहीं लेना था ना कोई, उसने कभी पढ़ा ही नहीं पॉजिटिविज्म. लेकिन उसके एक्शन में भी आपको उसी तरह की अप्रोच दिख जाएगी. अगर जर्मनी वॉज द हॉटबेड ऑफ आइडियलिज्म, नॉन पॉजिटिविज्म रिवर्स, तो वहां जाओगे अगर आप, तो यू विल सी कि लोगों के एक्शंस में आपको वैसा ही इम्प्रिंट मिल सकता है. तो आप देखना कभी जिंदगी में. ऐसे में आपको आगे चलेंगे तो ब्रिटेन का आएगा, इंग्लैंड का आएगा, कि वहां पे क्या पर्सपेक्टिव्स थे, क्या कौन से डोमिनेंट पर्सपेक्टिव थे, तो आपको वहां के लोगों में वही अप्रोच दिख जाएगी. ये चीजें बहुत लंबे समय पर बदलती हैं, एंड कई बार किसी कंट्रीज में पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स पॉपुलर हो जाते हैं, है ना. एंड देन वो बेसिकली जो अप्रोच है, मतलब दैट बेसिकली इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी एज अ होल. तो हम देखेंगे फिलोसॉफिकल पॉजिटिविज्म क्या था, एक्चुअल में जो फिलॉसफी में पॉजिटिविज्म था क्या था. फिर मैं आऊंगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म. सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म कि सोशियोलॉजी में जब पॉजिटिविज्म आया तो उसका क्या मतलब है, ठीक है ना. और उसके बाद मैं आऊंगा एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिविज्म. एलिमेंट्स मैं इस तरह से डिस्कस करूंगा कि साथ में ये भी डिस्कस करूंगा हाउ इट इज यूज्ड इन सोशियोलॉजी. मैं इस तरह से डिस्कस करूंगा एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिविज्म, है ना. जो फीचर्स हम निकालेंगे पॉजिटिविज्म के, वो इस तरह से निकालेंगे कि साथ में ये भी करेंगे हम कि ये पॉजिटिविज्म सोसाइटी को स्टडी कहता कैसे है. क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, क्वेश्चन ये पूछ लें आपसे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ पॉजिटिविज्म अंडरस्टैंड सोसाइटी, आ सकता है. तो लेकिन हम दोनों चीजों को कंबाइन कर सकते हैं कि अगर वो आ गया तब भी ये लिखना, अगर वो आ गया तब भी इस तरह से लिखना. एंड लास्ट इज नाउ माय क्रिटिक, क्रिटिसिज्म्स. फिर मैं क्रिटिक करूं इसका. अब ये चार चीजें अगर मैंने कर ली तो माय टॉपिक इज मोर देन कंप्लीट. देन अब पेपर में क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, मे बी क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, क्वेश्चन मे बी इन दोनों पार्ट्स पे आ जाए, आ सकता है क्या, आ सकता है.
क्वेश्चन इस पे आ सकता है, व्हाट इज सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म, डिस्कस इट्स एलिमेंट्स. क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिविज्म, अटेम्प्ट अ क्रिटिक. ये क्वेश्चन सिर्फ इस पे भी आ सकता है, अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म विद सुटेबल एग्जांपल्स.